पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर तंकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं हुकूमत ने हर शय महंगी कर दी, ये हुकूमत किस सिमत जा रही है कुछ समझ नहीं आ रही। पीटीआई की हुकूमत का ना तो हमें कोई डायरेक्शन नजर आ रही है इस वक्त, ना को हमें लाइन ऑफ एक्शन नजर आ रही और ना ही कोई दुरुस्त समत में एक्शन नजर आ रहा है। गैस की कीमत में इजाफा कर दिया, अगले एक दो हफ्तों में बिजली और तेल की कीमतों में भी इजाफा होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि हुकूमत तमाम मुतालिबात मानते हुए आईएमएफ के पास जाना चाहती है। इमरान खान ने इदारे बेचने के लिए नहीं, इन्हें ठीक करने के लिए वोट मांगे थे। पंजाब में डमी वजीर आला लगा दिया गया। कुछ चीजों को गवर्नर साहब देख रहे हैं, कुछ चीजों को चीफ मिनिस्टर देख रहा है, कुछ चीजों को सीनियर मिनिस्टर देख रहा है और बहुत सारी चीजें जो है वो वहां से मॉनिटर हो रही। तो चीफ मिनिस्टर की हैसियत क्या है, ऐसे बंदे को क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया है जो खुद कहता है कि मैं इसराइल नहीं हूं? क्या कमिटमेंट है उसकी पीटीआई के साथ या बाकी किसी के साथ? चौधरी मंजूर ने मजीद बताया कि पीपल्स पार्टी धांधली की तहकीकात के लिए पावरफुल कमीशन चाहती है। पार्टी को मुनज्जम और मुतहरिक करने के लिए मंसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज।